राधे राधे भक्तों, आज हम वैशाख महात्म कथा का सातवां अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देखकर हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण देव से कहने लगे, हे महात्मन, मैंने ये बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्यमय चरित्र देखा है, जिसके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा को मोक्ष प्राप्त हो गया। इस धर्म को विस्तार से कृपा करके मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव बोले, धन्य है, धन्य है। तो राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं आपके आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी संसारिक जन्मादिक बंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हुओं को हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस, गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊँ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, शैया, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि दान करना, गौओं को घास डालना, अन्नदान इत्यादि करना है, शरीर पर तेल आदि मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, यह सब वैशाख मास के उत्तम धर्म है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा करने से पुत्र आयु तथा पति सुख की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में जल व अन्न दान भूखे प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। हे राजन, मैं अन्न दान न करने की एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे शिथिल होने से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन कंठ के बीच में मांस फंस गया था। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआ, बावड़ी, शीतल जल को विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में दैव योग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि शालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरा ऐसे कहने पर अपना पुत्र मुझे न जान कहने लगा कि पहले मैं अनर्थ देश में भूवराख्य नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था। तप, दान, विद्या और यज्ञ आदि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ में वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इससे विचार होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का पुत्र है, जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से स्वर्ग नहीं गया है और नर्मदा नदी के किनारे तीर पर बड़ा दुखी हो अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान और भक्तिपूर्वक जल से मेरा तर्पण करे, फिर किसी ब्राह्मण को अन्न दान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर ये दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसे बातें सुनकर दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ, दैव योग से यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारे बतलाए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जा, मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान निमित्त अन्न अर्पण करूंगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आ वैशाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच चोरी से मुक्त हो विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गए। इसीलिए अन्नदान सब शास्त्रों ने बड़ा धर्म कहा है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। अब और किस बात को सुनने की आपकी इच्छा है सो पूछो, मैं तुमसे सत्य कहूँगा। इति वैशाख महात्म कथा का सातवां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम गणेश जी की कथा का वर्णन करेंगे। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, गांव के सभी लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, बेटा वहाँ पे बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी, खो जाओगी, चोट लग जाएगी,
लड़की ने माँ की बात नहीं मानी और मेला देखने चल पड़ी। लेकिन जैसे ही लड़की घर से जाने लगी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा, 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना और 2 लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई क्योंकि गणेश जी ने उसका दिया हुआ ना लड्डू खाया था ना पानी पिया था। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठी रही। कहने लगी, गणेश जी, 1 लड्डू और पानी आपके लिए है, 2 लड्डू और बचा हुआ पानी मेरे लिए है, आप लड्डू खा लो पानी पी लो। कहते कहते इसी तरह सारी रात बीतने को हो गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी, माँ परेशान हो जाएगी। यह सोचकर गणेश जी ने एक छोटे से लड़के का वेश बनाया और उससे 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी पी लिया। फिर वे कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की ने मन में सोचा कि मैं क्या मांगूँ, अन्न मांगूँ या धन मांगूँ या अपने लिए अच्छा सा वर मांगूँ या खेत खलिहान महल मांगूँ। वे अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि गणेश जी ने उसके मन की बात जान ली। वे लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है और जो तुमने अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगाई, कहाँ रही। बेटी ने कहा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आई हूँ, 2 लड्डू मैंने खाया और पानी मैंने पी लिया। इतना कहते ही देखते ही देखते उनका घर महल में बदल गया, खूब अन्न धन सब कुछ हो गया। माँ अचंभित होकर देखने लगी तो फिर बेटी ने अपनी सारी बात बताई कि वहाँ पे एक छोटा सा गणेश जी महाराज आए थे और उन्होंने मुझे वरदान दिया है, उसी से अपने घर में सब कुछ है, अन्न धन महल सब कुछ हो गया है। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़की को सारा सब कुछ दिया, हमें भी देना, हमारे परिवार को भी देना, और जो भी प्राणी इस कथा को सुन रहा हो, हुंकारा भर रहा हो, उसको भी ये सब कुछ देना। बोलो गणपति महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।